ये रहा मेरा सारा सेटअप, देख रहे हो आप, ये एक मोबाइल फ़ोन है, ये ट्राइपॉड गोरिल्ला माउंट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस आर व्लॉग्स। और आज का जो ये वीडियो है, ये मोबाइल सेटअप जो मैंने बनाया है, क्योंकि ये सेटअप इसलिए मैंने बनाया है ताकि क्योंकि DSLR बहुत महंगा है और इतना कॉस्टली बजट नहीं है मेरा कि मैं अभी DSLR परचेज करूँ, तो मैंने एक अपना मोबाइल सेटअप बनाया। तो ये जो पूरा सेटअप है वो मोबाइल से रिलेटेड सेटअप है कि उस मोबाइल सेटअप बनाने के लिए क्या क्या चीज़ मुझे लगी और क्या क्या चीज़ मुझे ख़रीदनी पड़ी, तो ये सेटअप उसके लिए है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ये सेटअप दिखता कैसा है और ये है कैसा। सो गाइस, ये रहा मेरा सेटअप जो कि है एक मोबाइल फ़ोन माउंट, और ये है मेरा नया सेटअप। तो ये सेटअप कैसे बनाया, क्या क्या लिया, कहाँ से क्या ऑर्डर किया, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, ये आपने देख लिया सेटअप की किस तरीके से सेटअप मैंने बनाया। हाँ, तो ये जो सेटअप है इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ देना पड़ा और इसे कहाँ से मुझे ऑर्डर करना पड़ा। बात करते हैं माइक की, ये माइक कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये माइक जो है वो कहाँ से मैंने ऑर्डर किया, कितने में ऑर्डर किया, वो सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो मैंने माइक ऑर्डर किया है, आप देख रहे हो क्योंकि ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी माइक से ये वीडियो। तो ये जो माइक है ये है बोया का BYMM1 जो कि यूनिवर्सल है माइक्रोफोन है, और ये आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैब और फ़ोन सब से यूज़ कर सकते हो। जो ऑर्डर किया हुआ है वो था गोरिल्ला का ट्राईपोड, ये भी मैंने अमेजोन के थ्रू ही मंगाया हुआ है, और इसका जो मुझे अप्रॉक्स प्राइस है वो ऑलमोस्ट 800 के आसपास पड़ा हुआ है। ये आप जाके अमेजोन पे चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ दूसरा ये मोबाइल होल्डर था यूलेंजी का, ये जो मोबाइल होल्ड किया हुआ है, और ये भी अमेजोन के थ्रू मैंने मंगाया हुआ है, जिसकी प्राइस अप्रॉक्स 200 के आसपास है। और कुछ और एक्स्ट्रा दो तीन चीज़ थी, और हाँ, इसके साथ अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको एक अच्छा लेदर बैग और वायर है जो इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ या अपने क्या कहते हैं उसे कैमरे के साथ आप अटैच कर सकते हो। और दूसरी क्या आपको बड़ी इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं, दैट्स इट गाइस, यही था। और ये बहुत अच्छा है, इजी टू वे यूज़ है, आप इसको कहीं पे भी लेके जाके अच्छे से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ़िलहाल। तो आई एम हैप्पी विद दिस सेटअप, न्यू सेटअप, कैमरा ब्लॉगिंग सेटअप, और अब हमारे आगे की वीडियो इसी सेटअप से बनेगी। तो बहुत ही जल्दी हमारी राइड की वीडियो आएगी जो बाइकिंग राइड वीडियो है, और उसके लिए तैयारी चालू कर दी है मैंने, आप देख ही रहे हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने दो तीन स्पेयर बैटरी मंगाई है अपने ब्लॉगिंग के लिए, जो कि मैं अपने कैमरे में यूज़ करूँगा, जो मैं ये कैमरा यूज़ करता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए, जो है कि SJ Cam का 7-star है। मैं GoPro नहीं यूज़ करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। इसका भी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आज मैं इसको 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी अच्छा, मुझे इसने कभी अभी तक धोखा नहीं दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा इजी टू यूज़ है। हेलमेट सेटअप, तो ये है मेरा हेलमेट जिसमें मैं, ये मेरा माउंट जो कि ये कैमरा यहाँ लग जाता है यहाँ पे ब्लॉगिंग के टाइम पे, और एक माइक, ये माइक लगा हुआ है अंदर इसके, अगर आप देखोगे तो ये माइक है, और कुछ नहीं। अभी एक यहाँ पे एक नया सेटअप आता है जो कि फ़ोन के लिए होता है, वो मुझको अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने वो यूज़ नहीं किया हुआ है। तो दैट्स इट गाइस, आज का वीडियो यही था, सेटअप दिखाना था मुझे नया अपना और उसके लिए क्या क्या सामान मुझे लेना पड़ा। तो गाइस, हम आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बनी रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको कुछ चीज़ पूछना है रिगार्डिंग दिस सेटअप तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक बाय, और अपना ध्यान रखिएगा और सेफ रहिएगा।